पाकिस्तान की तारीख में बच्चियों को अगवा करना और इनके कत्ल और रेप के बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन एक ऐसा केस जिसने सुनने वालों को हिला कर रख दिया। नौ जनवरी 2018 दोपहर के वक्त लाहौर के करीब से एक कूड़े के ढेर पर 7 साल की बच्ची की कटी हुई लाश मिलती। मैं फीफा के साथ उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर उस दरिंदे ने उस बच्ची को फेंका, और ये अंदाजा करें कि इस जगह पर उस फूल को मसला गया। यहाँ आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहां से रिकवर हुई। फूलों जैसी ये 7 साल की बच्ची का कत्ल करने से पहले इस कातिल ने इसका रेप किया और फिर इसको कत्ल करके इसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसका नाम है ज़ैनब अंसारी। इस खबर को सुनने के बाद लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में मुजाहरे किए गए और लोग ज़ैनब के लिए इंसाफ मांगने लगे। ज़ियाती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। कहानी शुरू होती है कसूर से, जहां पर एक हस्ती बस्ती खुशहाल फैमिली रहती थी जिसके सरबराह का नाम है अमीन। अमीन साहब की एक बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनब के वालदैन के दिल में उम्रे की ख्वाहिश पैदा होती है और अल्लाह इनकी सुन लेता है और इनको अपने घर बुला लेता है। वो लोग उम्रे पर चले जाते हैं और अपनी 7 साल की बेटी ज़ैनब को इसके अंकल अदनान के घर छोड़ जाते हैं। ज़ैनब अब अपने अंकल के घर से स्कूल और मदरसे जाने लगती है। वो रोज़ तो मदरसे जाती थी, लेकिन 4 जनवरी को वो घर से मदरसे के लिए निकलती है, लेकिन वो मदरसे नहीं पहुंचती। ज़ैनब के अंकल सोचते हैं कि रोज़ की तरह ज़ैनब मदरसे चली गई है और वो वक्त पर वापस आ जाएगी, लेकिन वो उस दिन वक्त पर वापस नहीं आती। रात 12 बजे तक ज़ैनब के अंकल इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं आती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था अदनान के दिल में परेशानी पैदा हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी की रात में और इतनी देर तक ज़ैनब के घर से बाहर रहना इसके दिल में तरह तरह के गुमान पैदा कर रहा था, और इससे पहले कभी ज़ैनब इतनी देर तक घर से बाहर रही भी नहीं। रात 12 बजे के बाद ज़ैनब के अंकल इसको ढूंढने के लिए इसकी तलाश शुरू करते हैं और सबसे पहले वो मदरसे जाते हैं, जहाँ से उसे पता चलता है कि ज़ैनब तो आज मदरसे आई ही नहीं। इसके बाद वो पड़ोसियों की तरफ जाते हैं और उनसे ज़ैनब के बारे में पूछते हैं, तो इसे इनकी तरफ से भी कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो तंग हार कर ज़ैनब के वालिद अमीन साहब को कॉल करते हैं और इसको सारी हकीकत बताते हैं। उधर उम्रे पर मौजूद ज़ैनब के वालिदैन इसकी गुमशुदगी की खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं और वापस पाकिस्तान आने के लिए तैयार होने लगते हैं। इधर ज़ैनब के अंकल अदनान ज़ैनब को ढूंढने के लिए और पुलिस की मदद हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ पर ज़ैनब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस ज़ैनब को तलाश करने का कहती तो है, लेकिन वो इस केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। दूसरे दिन ज़ैनब की फैमिली भी उम्रे से वापस घर आ जाती है और अपनी मदद आप के तहत ज़ैनब को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में इन्हें एक गली में लगे हुए CCTV कैमरे की फुटेज मिलती है। इसमें देखा जा सकता है कि ज़ैनब एक अननोन आदमी के साथ हंसते खेलते जा रही होती है। इस फुटेज के मिलने के बाद पुलिस ज़ैनब का सर्च वारंट जारी करती है और इसको तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो पाती और आखिर वो हो जाता है जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। ठीक 5 दिन बाद 9 जनवरी को लाहौर के करीब से एक कूड़े के ढेर पर ज़ैनब की लाश मिलती है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहां से रिकवर हुई। ये खबर जैसे ही मीडिया में आती है तो लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आते हैं और इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा शदीद होता है। ज़ैनब के वालिद भी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास तावन नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल तावन नहीं किया, जिसके बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लोग पुलिस के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में 2 लोग पुलिस स्टेशन में दाखिल होने पर मारे जाते हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दंगे भी होते हैं और लोगों की ज़बान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, जस्टिस फॉर ज़ैनब। अटॉप्सी रिपोर्ट आने के बाद पूरा पाकिस्तान हिल कर रह गया, क्योंकि जिस बेदर्दी से इसका रेप किया गया था, इसके बाद इसको कत्ल किया गया,
इसके बाद इसकी कलाइयों को काटा गया और फिर इसकी लाश को थैले में बंद करके कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। अब पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो इसके कातिल को ढूंढना था, जिसके लिए पुलिस और जैनब की फैमिली के जिन भी लोगों पर शक थे इन सब को पकड़ा गया और इनका डीएनए टेस्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से किसी एक का भी डीएनए टेस्ट विक्टिम के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं हुआ। लेकिन 23 जनवरी को एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है जिसका डीएनए टेस्ट विक्टिम के डीएनए टेस्ट से मैच हो जाता है। इसका नाम था इमरान अली और उम्र थी 24 साल। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये आदमी सिर्फ जैनब ही नहीं बल्कि इसके अलावा 7 और लड़कियों के साथ रेप और इनका मर्डर कर चुका है। लेकिन इस आदमी के चेहरे पर ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी और निदामत नहीं थी और कोई भी इस आदमी को देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। 17 फरवरी 2018 को एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से इमरान अली को मुजरिम साबित होने पर जैनब और 7 लड़कियों के साथ रेप और कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। इसके अलावा इसे 32 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया जो इन फैमिलीज को दिया जाना था जिनकी लड़कियों का इसने मर्डर किया था। इस सजा के सुनाए जाने के बाद 17 अक्टूबर 2018 को लाहौर सेंट्रल जेल में 5:30 पर इमरान अली को फांसी दे दी गई। इस सजा के सुनाने के साथ साथ एक काम जो बहुत अच्छा हुआ वो था जैनब अलर्ट बिल। 2020 में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बिल पास किया गया जिसका मकसद बच्चों की हिफाजत करना था और इस बिल में वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता पकड़ा गया या इस पर जुर्म साबित हो गया तो इसको जो कम से कम सजा दी जाएगी वो उम्र कैद होगी। इसके अलावा इस बिल में यह भी दर्ज था कि उन अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो बच्चे के अगवा होने के 2 घंटे के दरमियान कोई भी तहकीक नहीं करेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।